यूजीसी नेट पास कर चुके कैंडिडेट जो लेक्चरशिप के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी की नॉर्म्स के मुताबिक एलिजिबल हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो पोस्ट सी टीचिंग और नॉन टीचिंग की लाइब्रेरियन की पोस्ट 45 डेज में फिल करने का फैसला किया है। इलेक्शन का तोहफा है, आपको इसका फायदा ले लेना चाहिए, खास करके प्राइवेटाइजेशन के जो खून चूसने वाला युग है, जहां पर आप सैलरी मांग मांग के थक जाते हो, मिल नहीं रही, आपको इसका फायदा उठा लेना चाहिए। जॉब्स विद इन 45 डेज फिल होगी, ये खुशखबरी है, और एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जिसके बेस पर मेरिट बनेगी और प्योरली मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगी, ये इसका निचोड़ है। इससे पहले हम देख लें कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जो दिया है वो क्या है। ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, आप पहले अगर पोस्ट देखना चाहते हो तो ये रही पोस्ट। सबसे पहले जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में असिस्टेंट प्रोफेसर की सब्जेक्ट वाइज पोस्ट हैं, डांस की 2, डिफेंस स्टडीज 2, एजुकेशन की 3। याद रहे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की पोस्ट्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। एनवायरमेंट साइंस की 3। सबसे ज़्यादा हैं इंग्लिश के लिए, यूजीसी नेट जो इंग्लिश में क्लियर कर चुके हैं, पास कर चुके हैं, उनके लिए ज़्यादा खुशी की बात है। मेरे ख्याल में इंग्लिश में कैंडिडेट भी कम होते हैं। 154 कैंडिडेट हैं जो चाहिए पोस्ट फिल होनी है, 154 सबसे ज़्यादा पोस्ट है। ओके, फाइन आर्ट्स की 10 हैं, ज्योग्राफी की 43, ज्योग्राफी के कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हिंदी की 30, ये सिर्फ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की अलग से पोस्ट है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट 7, म्यूजिक वोकल 10, फिलोसफी 6, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। नेक्स्ट है 53 है पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी पोस्ट हैं। साइकोलॉजी 12, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है 10 पोस्ट, और पंजाबी की सबसे ज़्यादा 154 थी, 142 है पंजाबी की, उर्दू की 1 है 1, लाइब्रेरियन की 67। टोटल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस ये 67 लाइब्रेरियन की मिला के 555 पोस्ट हैं, जिनके लिए आपने तैयारी आज से शुरू कर देनी है, क्योंकि सिर्फ 45 डेज आपको दिए गए हैं। 45 डेज में दिन रात एक कर दो कि अगली जिंदगी के लिए आपको अपनी उसकी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, इंक्रीमेंट लगा दो, ये कर दो, वो, प्राइवेटाइजेशन के युग से बाहर आ जाओ। अच्छा, ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटीज की पोस्ट है, एग्रोनॉमी की 1, एग्रोनॉमी बायोकेमिस्ट्री 1, बॉटनी की 39, केमिस्ट्री की 71, कॉमर्स की हैं 70, वेरी गुड, कॉमर्स के कैंडिडेट भी काफ़ी हैं क्लियर। जो कंप्यूटर साइंस की 56 और इकोनॉमिक्स की 53, ये पोस्ट हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में, और सोशल साइंसेज में हैं 53, इकोनॉमिक्स की 53, हिस्ट्री की 73, वेरी गुड, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स 1 पोस्ट, होम साइंस 9, हॉर्टिकल्चर 1, मैथमेटिक्स 73, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन 54, फिजिक्स 47 पोस्ट हैं, और सोशियोलॉजी की 14। तो इन कैंडिडेट के लिए ये बड़ी खुशखबरी है, अब सोना बंद कर दीजिए, जागना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर। अच्छा, सोशियोलॉजी 14 होगी, जूलॉजी 40, तो ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में टोटल बनी 603 पोस्ट।
इनके लिए युद्ध करना है, होना क्या है इसको ब्रीफ में देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन 18 को यानी अभी आया ही है नोटिफिकेशन, देख सकते हो इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। नोटिफिकेशन जो ही है पोस्ट, अभी एडवर्टाइजमेंट उनकी आनी है, एकदम आ जाएगी क्योंकि बड़ी तेजी में काम होना है। आप जानते हो इलेक्शन का फायदा सबने उठाना है तो आपको भी उठाना चाहिए। ये 5 साल बाद तोहफा नहीं, आपको शायद 20 साल बाद ये तोहफा मिल रहा है। ये नोटिफिकेशन है, ये डेट देख सकते हो आप, 18 अक्टूबर 2021। नोटिफिकेशन में जो मेन पॉइंट है आपके लिए जानने जरूरी हैं वो डिस्कस करूंगा ब्रीफ में। एप्लीकेंट्स मे बी इनवाइटेड टू फिल अप द पोस्ट हेयर बाय, ये टोटल पोस्ट जो बात हो चुकी है, ओके। एप्लीकेशंस विल बी इनवाइटेड थ्रू ऑनलाइन, ठीक है। यूनिवर्सिटीज विल कंडक्ट सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट होना है जिसके लिए आपको तैयारी आज से शुरू करनी है। सिलेक्शन टेस्ट में सिलेबस कौन सा होगा अभी सब कुछ उन्होंने बताना है, आपको अवेयर रहना पड़ेगा। साथ साथ में जो भी मेरे पास न्यूज़ होगी आपके पास आपके लिए शेयर करता रहूँगा। सब सब्जेक्ट्स के लिए होगा। द कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइड एज पर UGC गाइडलाइंस, एक बार UGC गाइडलाइन भी देख लीजिए, मैं भी शेयर कर दूंगा गाइडलाइंस क्या हैं लेटेस्ट, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में गाइडलाइंस चेंज होती रही हैं। ये खबर आपको बार बार सुनने को मिली होगी कि PhD ज़रूरी है अब, लेकिन याद रहे वो यूनिवर्सिटी में लगने के लिए थी, लेकिन वो भी पोस्टपोन कर दिया गया है। अगर आपके पास UGC नेट क्लियर है तो आप एलिजिबल हो, प्रोवाइडेड आपके मार्क्स और यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस हैं उनको भी देखना पड़ेगा, वो साथ साथ में मिलती रहेंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर विल बी एलिजिबल अगेंस्ट दीज पोस्ट स्टिल अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड टू द रेलेवेंट डिपार्टमेंट सर्विस रूल, ओके। जो भी रूल होते हैं वो आपको बाकी पता है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। मेरे ख्याल में UGC वाले तो हाँ ये भी श्योर नहीं है कि सभी जॉब कर रहे होंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस तो UGC वाले को पहले निकालते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है, ठीक। आफ्टर होल्डिंग द सिलेक्शन टेस्ट, हो गया मान लीजिए सिलेक्शन टेस्ट, कैंडिडेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेरिट कैटेगरी वाइज, मेरिट बनेगी वो आपको पता है, हाईएस्ट मार्क्स से लोएस्ट मार्क्स की तरफ जाएगी, और उसके लिए काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने हैं, कुछ इंटरव्यू जहां आपसे क्वेश्चनिंग नहीं होनी, जिसकी वेटेज दी जानी है आगे बताता हूं। द सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद इन 45 डेज, सब कुछ हो जाना है। द रिक्रूटमेंट विल मेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर, ओनली टेस्ट के लिए तैयारी करनी है, यही इस वीडियो का संदेश है, अवेयर हो जाइए। अचीव्ड इन रिटन टेस्ट एंड देयर शैल बी नो मार्क फॉर इंटरव्यू और वाइवा, किसी भी एडिशनल, ये बात मैं बता चुका हूँ। द सब्जेक्ट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2 state universities, पंजाब यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं है, सेंटर की यूनिवर्सिटी है जे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट हैं। दोबारा फिर बता दूँ, ये दोनों यूनिवर्सिटी ही ये टेस्ट कंडक्ट करेंगी, ये बात बताई गई है। नेक्स्ट है कि 2 selection committees, 1 जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विल बी कॉन्स्टिट्यूट द कैरिंग आउट दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग प्रेपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, अभी से शुरू हो जाने हैं। यूनिवर्सिटी पंजाबी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ने करना है, प्रेपरेशन ऑफ रिजल्ट, ऑल द नेसेसरी टास्क विच माइट अराइज, सारा इंतजाम उन्होंने करने हैं, ठीक। ये आगे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये इन सारे डिसीजन में होंगी, इनके लिए आपको कोई जानकारी ज़रूरी नहीं है, आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना काम शुरू कर दें। एडवर्टाइजमेंट शैल बी इशूड बाय द DPI कॉलेजेस, ये देख लीजिए, ये गवर्नमेंट DPI की पोस्ट, जो पता नहीं
युग बीत गए हैं कि वेट कर रहे थे। इन ऑर्डर टू मिटिगेट हार्डशिप, हाँ ये ज़रूरी है, उनके लिए एक खुशखबरी है, जो पार्ट टाइम या गेस्ट फैकल्टी या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा वेटेज दी गई है। गवर्नमेंट टीचर आर अदरवाइज एलिजिबल, ये लिखा है रन बाय द, इट हैज आल्सो बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट दैट सच टीचर्स हु आर अदरवाइज एलिजिबल एज पर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन विल बी गिवन ए रिलैक्सेशन अपर एज, उनको जो गवर्नमेंट जॉब में एडहॉक पर, पार्ट टाइम पर, गेस्ट फैकल्टी पर, उनको एज लिमिट में छूट दी गई है। एज लिमिट अभी कहीं भी नहीं बताई गई, एडवर्टाइज में जहाँ इसके बाद बताई जाएगी। टू द एक्सटेंट ऑफ पीरियड दे हैव वर्कड एज सच, फर्दर सच टीचर शैल बी गिवन वेटेज इन वन मार्क। और भी है, एक तो एज की रिलैक्सेशन है उनके लिए खुशखबरी है, दूसरा उनके लिए पर ईयर एक मार्क्स उनको दिया जाएगा जो मेरिट लिस्ट बननी है, पर ईयर सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 5 मार्क्स तक, 5 साल के 5 ईयर्स के आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आप मेरिट में आगे चले जाओगे। इन रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस गेन्ड बाय देम व्हाइल वर्किंग एट पार्ट टाइम गेस्ट फैकल्टी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर इन गवर्नमेंट कॉलेज, इन गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट वालों को नहीं मिलेगा, डमरू बजाओ बैठ के। यू आर रिक्वेस्टेड टू इनिशिएट द रिक्वायरमेंट, तो ये नेक्स्ट है जो नोटिफिकेशन में इनको गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और अमृतसर और जो है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की अथॉरिटी को असाइन की गई है। यहाँ तक ये न्यूज़ है, न्यूज़पेपर से जुड़ी रही है, अगर चैनल से जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो, जो भी अपडेट होगा आपको साथ साथ में बताता रहूँगा, अगर गाइड कर सकता हूँ कि कैसे तैयारी करनी है वो भी गाइड कर दूँगा। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए थैंक यू।